सब कैसे हैं। आज सिखाने जा रही हूँ एक और नई डिजाइन का डोरमेट। ये देखो मैंने चौकोर में बनाया है, ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो तीन कलर लिए हैं और 7 नंबर की सिलाई यूज कर रही हूँ। अब देखें सबसे पहले मैं येलो कलर से फिंदे डालूंगी। तो फिंदे इस तरीके से डाल लेने हैं। तो 40 फिंदे से बनाऊंगी और मैं अपने घर के लिए ही बना रही हूँ तो इसलिए मैं 40 फिंदों में बना रही हूँ। तो इसी तरह से मैं फिंदे डाल लेती हूँ फिर आपको देखो 40 फिंदे मैंने डाल लिए। अब देखें ऊपर सबसे पहले ब्लैक कलर लगाएंगे, यहीं से शुरू ये आज से ये डिजाइन पड़ेगी। तो ये देखें 1 2 3 4 5 6 ये देखें 7 8 तो 8 फिंदे हमने ऊपर की तरफ से बिन लिए। अब देखें येलो कलर के हम 8 फिंदे बिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बना लिए। अब 8 फिंदे हम फिर से ब्लैक कलर से बनाएंगे। ये गोलों को थोड़ा थोड़ा हमें कर लेना है या बची खुची ऊन है वो लगा लेनी है। तो ये देखें इस तरह से हमें यहाँ पे ज्वाइंट कर लेना है, इसको हम इस तरह से कर लेंगे। 8 फिंदे हम ब्लैक कलर के बनाएंगे, 4 हो गए, 5 6 7 8 ये देखें 1 2 3 4 तो यहाँ पे 8 हो गए। अब देखें एक गोले को हमें और बना लेना है येलो कलर का अलग से। तो यहाँ पे ये वाला हम कलर यहाँ पर तक नहीं लाएंगे, नहीं तो यहाँ पे डिजाइन खींचेगी। अब इसको हम इस तरह से कर लेंगे और 8 फिंदे हम येलो कलर के बनाएंगे। 3 हो गए, 4 5 6 7 8 अब 8 फिंदे हमें ये ब्लैक कलर के, तो यहाँ भी हमें गोले को अलग से लेना है। तो 8 फिंदे हम ब्लैक से इसी तरह से बुन लेते हैं फिर आपको आगे की डिजाइन बताते हैं। ये देखें तो सारे फिंदे बिन लेने हैं नीचे तक। एक दो तीन ये देखें अब यहाँ पे 8 फिंदे हमने बिन लिए, 1 2 3 4 तो 8 हो गए। तो ये देखें अब सीधी तरफ ये डिजाइन बहुत सुंदर बनने वाली है इस तरह से अगर आप बनाएंगी, और इसको फटी पुरानी साड़ी से भी बना सकती हैं। अब जो जैसा हमने कलर लगाया है वैसा ही बुनते जाना है। ये येलो है तो येलो को हमने आगे कर लिया,
और फिर उसके बाद बुनाई स्टार्ट कर देते हैं। ब्लैक आएगा तो ब्लैक को हम आगे लाएंगे और फिर इसी तरह से बुन लेंगे। इस तरीके से पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाएंगे। पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब देखें, यहाँ से हमें 6 फंदे बनाने हैं। अब 2 फंदे हम इस वाले पर, सॉरी, एक एक फंदे को बनाना है। यहाँ पे 2 फंदे नहीं बनाएंगे, सिर्फ 1 फंदे को बनाएंगे। ये देखें तो 7 बुनेंगे यहाँ पे, और इस वाले फंदे को हम इस तरह से, अब देखें यहाँ एक बचा है तो येलो वाला ब्लैक हो जाएगा। अब देखें ये वाला जो है ब्लैक वाला येलो हो जाएगा। अब देखें येलो वाला एक हम ब्लैक कर लेंगे, और नीचे की साइड पे 1 फंदे को हमें बगैर बुना हुआ छोड़ देना है। ये देखें 1 फंदे छोड़ दिया, सिलाई को यहीं से पलट लिया है। अब ऊपर तक जो जैसा है वैसा ही बुनते हैं। पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब देखें, अब यहाँ पे 6 फंदे बनेंगे। ये देखें 6 बना लिए। फिर से हमने 1 फंदे को कर लिया येलो, तो इसी तरह से ये एक एक फंदे करते हुए ये सारे फंदे ख़त्म कर लेना है, और नीचे की साइड पे एक एक फंदे को हम छोड़ते जाएंगे और आगे की तरफ ऊपर की साइड बढ़ते जाएंगे। तो मैं इसी तरह से कर लेती हूँ, ये सारे फंदे ख़त्म कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बनाना इसी तरह से है, नीचे की साइड पे 1 फंदे को छोड़ना है, ऊपर की साइड पे एक एक फंदे को इसी तरह से बढ़ाते जाना है। ब्लैक वाले फंदे कम होते जाएंगे, बाकी फंदे जो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो हमने ऊपर तक बना लिया, 1 फंदे को अभी बचा है। तो 1 फंदे को हम किस तरह से बनाएंगे वो देखें। इसको हम येलो कर लेंगे और इसी वाली सिलाई पे कर लेंगे। अब रेड कलर लगा लेना है, अब ये वाला रेड कलर लगाएंगे। यहाँ से इस तरह से, और इसको दबा लीजिएगा नहीं तो ये निकल जाएगा इस तरह से। सारे फंदे हम रेड कलर के कर लेंगे, आप ध्यान से देखिएगा। ये देखें ब्लैक वाली में से, अब ये देखें ये फंदे को हमने छोड़ा तो यहाँ पे 8 फंदे हो गए, 2, 4, 6, 8। अब हम सिलाई यहीं से पलट लेंगे। अब ऊपर तक जो जैसा है वैसा ही बना लेना। ये देखो पूरी रो मैंने कंप्लीट कर ली है। अब फिर से देखें, इन वाले कलरों को हम ऊपर की साइड ले जाएंगे
अब हम रेड कलर से बनाएंगे और एक एक फिंदे को नीचे की साइड पे हम छोड़ते जाएंगे, बाकी फिंदे इसी तरह से बुनते जाएंगे। इनको भी हम इसी तरह से करते जाएंगे। ये देखें, रेड वाले में से एक एक फिंदे को छोड़ना है। इसी तरह से हमें 7 फिंदे छोड़ने हैं। एक छोड़ लिया, फिर दूसरा छोड़ेंगे, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। तो 7 बार में मैं छोड़ लेती हूँ और ऊपर की तरफ हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इसी तरह से बुनाई करते जाना है और फिंदों को नीचे की साइड से हम छोड़ते जाएंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे हमने 7 फिंदे छोड़ लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 फिंदे छोड़ने के बाद अब फिर से हमें डिजाइन को स्टार्ट करना है। तो ये देखें, इस तरह से हमें 8 फिंदे बनने हैं। 3 हो गए, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 के बाद देखें, यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब 8 के बाद ब्लैक कलर से 8 फिंदे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब फिर से हमने एक फिंदे छोड़ दिया, तो यहाँ पे 8 फिंदे होंगे। अब देखें, जो जैसा है वैसा ही ऊपर तक बना लेना है। ये देखो, मैंने बना लिया है। अब देखें, अब 7 फिंदे बनाने हैं ऊपर की तरफ से। एक फिंदे को हम येलो कर लेंगे। अब यहाँ पे देखें, जैसे एक फिंदे को येलो और ब्लैक वाले में एक एक फिंदे को हमें नीचे की साइड से छोड़ते जाना है। ये छोड़ दिया और सिलाई को पलट लिया। इसी तरह से हमें 7 फिंदे ब्लैक के यहाँ पे छोड़ने हैं ऊपर की तरफ। ये वाले फिंदे सारे ख़त्म कर लेने हैं। जिस तरह से हमने इसको बनाया है उसी तरह से हमें इधर बनाना है। तो मैं ऊपर तक और यहाँ पे 7 फिंदे छोड़ लेती हूँ, ऊपर तक इसको ख़त्म कर लेती हूँ ब्लैक वाले को, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ऊपर वाली पत्ती मैंने बना ली है। अब जिस तरह से हमने ये रेड बनाया था, इसी तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक ये फिंदे यहाँ तक आ जाएंगे रेड। फिर रेड के हम 7 फिंदे छोड़ेंगे, फिर 8वां फिंदा छोड़ेंगे, फिर ऊपर की साइड हम ब्लैक कलर से सिर्फ बनाएंगे। ये डिजाइन यहीं तक बनेगी, इस तरह की ऊपर ब्लैक बनेगी और हम एक एक फिंदे को छोड़ते जाएंगे बनाएंगे। इसी तरह से तरीका सेम है बनाने का। तो मैं ऊपर तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, हमने ऊपर तक फिंदे छोड़ लिए हैं, सिर्फ ये 2 फिंदे बाकी हैं। बाकी फिंदे हमने सब एक एक करते हुए छोड़ लिए। ऊपर की डिजाइन इस तरह से बनी। यहाँ तक देखें, ये डिजाइन यहाँ तक है, फिर ये सादा डिजाइन। एक एक फिंदे को छोड़ना है ऊपर तक, तो 2 फिंदे बाकी हैं। अब आगे देखें किस तरह से। तो ये देखें, येलो कलर से हमें सारे फिंदे बुन लेंगे। तो पूरी रो यहाँ से लेके यहाँ तक और इधर से भी और उधर से भी सादा सादा है। तो 2 सिलाई निकाल लेती हूँ। ये देखो, येलो कलर की 2 सिलाई मैंने निकाल ली है। अब देखें, जिस तरह से हमने ब्लैक की कली बनाई उसी तरह से हमें इधर बनाना है। तो ये देखें, पहले हम 2 फिंदे बुन लेंगे क्योंकि हमारे पास 2 फिंदे थे।
बगैर बुने हुए। तो हमने दो बुन लिए, यहीं से हमें सिलाई को पलट लेना है, इसको हम सीधा बुनेंगे। आप ध्यान से देखिएगा, अब एक एक फंदे बुनना है और पलटते जाना है। इसी तरह से ये ब्लैक वाला मैं बना लेती हूँ, फिर रेड का आपको बताती हूँ। ये देखो ब्लैक का मैंने बना लिया, एक एक फंदे करते हुए 8 फंदे बिन लिए। अब देखें रेड कलर को लगा लेना है, इस तरीके से। अब नीचे की तरफ से एक एक फंदे को बिन लेना है और बनाते जाना है। तो इसी तरह से ये रेड वाला कंप्लीट करेंगे। तो मैं कर लेती हूँ, फिर आपको देखिए, देखो ऊपर डिजाइन ये पतंग वाली बन के तैयार हो गई, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब नीचे वाली ये वाली डिजाइन डालूंगी, तो इधर किस तरह से पड़ेगी वो आप देखें। ये देखें, एक फंदे को हम यहाँ पे ब्लैक बनाएंगे इस तरीके से। अब देखें येलो कलर लगाएंगे और 8 फंदे हम येलो कलर, 4 हो गए, 5 हो गए, 6 हो गए, 7, 8। अब 8 के बाद फिर से ब्लैक करना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, एक हम नीचे से बिनेंगे 8। सिलाई को यहीं से पलट लेना है। अब ऊपर तक जो जैसा है वैसा ही बुनते जाना। अब देखें यहाँ पे 2 फंदे हो जाएंगे। आप ध्यान से देखिएगा, इसी तरह से आपको इधर का बनाना है। अब नीचे की साइड से ब्लैक वाला एक फंदे को हम इस तरह से बनाएंगे। अब नीचे की साइड कली जा रही है, तो एक एक फंदे को हम नीचे की साइड पे करेंगे और ब्लैक वाले एक एक फंदे को हम बढ़ाते जाएंगे, ये देखें, और सिलाई को पलटते जाएंगे। अब ऊपर तक जो जैसा है वैसा ही बुन लेंगे। ये देखें यहाँ पे 2 हो गए, फिर 3 हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, 6, 7, 8। तो ये कली नीचे की साइड बढ़ती जा रही है। तो इसी तरह से हम ये वाले देखें यहाँ तक फंदे बुनने, ये देखें ब्लैक के सीध पे हम सारे फंदे ये ब्लैक करते जाएंगे एक एक करते हुए। तो यहाँ तक ये पूरी बनके इसी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। 8 फंदे ऊपर की साइड हो जाएंगे, नीचे की तरफ ये कली इसी तरह से एक एक फंदे करते हुए चलती जाएगी। तो इसी तरह से आपको बनाना है। ये कली बनाने के बाद हमें यहाँ पे देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सिलाई इधर से, 8 इधर से, और एक एक फंदे को हम ये रेड कलर से बुनते जाएंगे। फिर इसी तरीके से हमें ये वाली कली बनानी है। जिस तरीके से ये वाली कली बन रही है, इसी तरीके से ये वाली कली बनेगी लास्ट वाली। तो इसी तरह से मैं बना लेती हूँ, कंप्लीट करके आपको इसको दिखाती हूँ। ये देखो मैंने बना लिया है इसको। अब मैं इसको सिलना बताऊँगी, तो सिलेंगे किस तरह से, इसको हम इस तरह से कर लेंगे। ये देखो यहाँ से इस तरह से आपको मिलाते हुए सिल लेना है। तो ऊपर तक सिल लेती हूँ, फिर आपको देखिए। देखो मैंने सिल लिया है, इसको कंप्लीट कर लिया है।